आज यहां 1947 से कुछ बातें बताई गई, अच्छी बात है, लेकिन कभी लगता है कि हम जब इतिहास की बात करते हैं तो टू पीरियड की चर्चा करते हैं, बीसी एंड एडी। आज जो मैंने भाषण सुना कि 47 से 14 तक, तो मुझे लगता है कि शायद बीसी और एडी की उनकी अपनी व्याख्या है। बीसी की व्याख्या उनकी है बिफोर कांग्रेस, मतलब कि कांग्रेस के पहले कुछ नहीं था इस देश में, था तबाह था, गर्त में था। और एडी का मतलब है आफ्टर डायनेस्टी। यानी जो कुछ भी हुआ वो उन्हीं के बाद हुआ। लेकिन आखिर के किसी काम को कंपैरेटिव देखना ही पड़ता है, और वो बुरा है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। हमें इतना विचलित क्यों होना चाहिए? 4.5 साल पहले क्या होता था और आज क्या है, 4.5 साल में किस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं। भारत 4.5 साल में 10वें 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 6 नंबर पर पहुंच गया। और ये भूलिए मत कि जब 11 नंबर पर पहुंचे थे तब इसी सदन में यहां पर बैठे हुए लोगों ने, जो कि आज वहां भी नहीं दिखते हैं, उन्होंने 11 पर पहुंचने का बड़ा गौरवगान किया था। मैं समझ नहीं पाता हूं जिनको 11 पर पहुंचने में गौरव दिखता था उनको 6 पर पहुंचने में पीड़ा क्यों, दर्द क्यों?